गुना बस हादसे के बाद एक बार फिर पुलिस यातायात और आरटीओ अमला सक्रिय नजर आया। शुक्रवार को आरटीओ अधिकारी रितु अग्रवाल ने पुलिस अमले के साथ बरूर फाटे पर बसों का औचक निरीक्षण किया। अचानक हुई कार्यवाही से बस चालकों में हड़कंप मच गया है। आरटीओ अग्रवाल ने बताया, यात्री बसों के साथ स्कूल बसों और वैनों का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान शहर की लिंक रोड क्रमांक 1-2 सहित भेल क्षेत्र में बसों में ओवरलोड संचालन न करने की हिदायत देने के साथ बीमा, परमिट, फिटनेस जैसे दस्तावेज जांचने के साथ ही फर्स्ट एंड बॉक्स आकस्मिक द्वारा जैसे व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाही के दौरान 2 यात्री बस ओवरलोड पाए जाने पर जुर्माने की कार्यवाही की गई। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। पुलिस अधिकारियों के आदेशानुसार आज बसों के ऊपर और ओवरलोडिंग जो ऐसे वाहन जो लोडिंग वाहन है या सवारी लेकर चल रहे हैं, इन सभी वाहनों पे एक चेकिंग के निर्देश अभी प्राप्त हुए थे। तो संबंधित लोकल थाना प्रभारी कोतवाली और आरटीओ के साथ में मिलकर अभी चेकिंग की गई और कुछ बसें हमें ओवरलोड मिली भी, जिनपे आरटीओ के द्वारा अभी तत्कालीन चालानी कार्रवाई की गई है। जब्ती की कार्रवाई अभी फिलहाल तक तो नहीं हो पाई है, लेकिन 3 बसें ऐसी मिली जो ओवरलोड थी, तो उनके स्पॉट फाइन आरटीओ के द्वारा किए गए हैं और उनको निर्देशित किया गया कि भविष्य में अगर इस तरह से चलती हुई मिलती तो उन्हें बिल्कुल जब्त करके और कठोर कार्रवाई की जाएगी। बसों में परमिट और फिटनेस के जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी ओवरलोडिंग अगर है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है और खासतौर से निर्देशित यही किया जा रहा है कि किसी भी तरीके की ओवरलोडिंग तो बिल्कुल भी नहीं चलने दी जाएगी। बसों की चेकिंग कर रहे हैं, जैसे बसों में जो भी अनियमितता पाई जाए, परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस या जो भी फायर एक्सटिंग्विशर हो या मेडिकल बॉक्स नहीं हो या बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए बसों में नहीं हो, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सभी दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस। कार्रवाई तो हमने अभी 2 बसों पे की है, बाकी चेकिंग हमने 50 बसों की कर ली है, ये निरंतर जारी रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।